एवरीवन, जय जगन्नाथ। स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल को। गर्मी के वजह से आपके घर में दूध फट जाता है क्या? चलो आज बनाते हैं वही चना से। इजी वे में कलाकंद। पैन अभी हमारा गर्म हो चुका है। मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क 4 स्पून का। गैस का फ्लेम लो रखना है, नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। आप लोग कंडेंस मिल्क के बदले शुगर ले सकते हो। शुगर अवॉइड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अभी मैं ऐड कर रही हूँ सेम स्पून में मेजर किया हुआ 4 स्पून का मिल्क पाउडर। अभी ये दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे कंटिन्यूसली। ऐसे मैं जैसे कर रही हूँ मिलाते जाएंगे कंटिन्यूसली। ऐसे मिला के दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये प्रोसेस पूरा गैस का फ्लेम को लो रखते हुए करना है। ये देख सकते हो आप लोग, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी ऐड कर लेते हैं 1 कप का मिल्क। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम में रख लेंगे। ये देख सकते हो, मिक्स करने के बाद यहाँ पे बॉईल आना शुरू हो चुका है। अभी ऐड कर लेते हैं छेना। छेना को मैं 1 लीटर दूध से बना के ली हूँ, जो कि 200 ग्राम होगा। यहाँ पे मैं मिक्स कर चुकी हूँ और इसको बॉईल करना है जब तक ये मिल्क पूरा सूखा ना हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो उबाल आना शुरू हो चुका है, तो मैं ऐड कर रही हूँ 3 कार्डमम को ऐसे क्रश किया हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सूखा होते जा रहा है। पूरा पानी जो है, जो दूध हमने मिलाया है इसमें, वो पूरा सूखा होने तक हम इसको पकाएंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो काजू को ऐसे बारीक से काट के ली हूँ, 4 से 5 ऐसे बारीक से कटा हुआ आलमंड। आधा अभी मैं ऐड कर रही हूँ और 5 ग्राम की पिस्ता ली हूँ, जो कि बारीक से कटा हुआ, वो भी मैं आधा ऐड कर रही हूँ। और दोनों आधा आधा रखी हूँ गार्निश करने के लिए। आप अपने मनपसंद का ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। मीठा को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट ली हूँ। आप चाहे तो स्टील का कोई बर्तन यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के इसको स्प्रेड कर लेते हैं अच्छे से। जो भी आप लोग स्टील का बर्तन लोगे उसके ऊपर भी ऐसे ही स्प्रेड कर देना घी लगा के। 5 से 10 मिनट ऐसे उबालने के बाद देख सकते हो पूरा सूखा हो चुका है हमारा कलाकंद का मीठा। अभी मैं निकाल रही हूँ जो प्लेट में मैं घी लगा के रखी थी उसके ऊपर। ना होने के बाद निकालेंगे तो उसको अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं अभी निकाल रही हूँ। इसको हम हाथों से सेट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा हाथों में घी लगा के इसे सेट कर दूंगी। अब देख सकते हो मैं कैसे कर रही हूँ, चारों तरफ से ऐसे ही हाथ लगा के सेट करना है। आपको जितना थिक चाहिए उतना आप लोग ऐसे हाथ को सेट करते टाइम कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको सेट कर चुकी हूँ। अभी ऐड कर लेते हैं जो गार्निश करने के लिए रखी थी ड्राई फ्रूट्स, इसके ऊपर पिस्ता और आलमंड को इसे इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं और इसको भी हाथ लगा के थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जैसे कि वो पूरा उसके साथ रह जाए सेट होके। अभी इसको अच्छे से सेट होने के लिए, काटने के लिए मैं 2 से 3 घंटा फ्रीज में रखूँगी। 3 घंटा यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हो पूरा अच्छे से सेट भी हो चुका है। मैं कट करके आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छे से सेट हुआ है। ये देख सकते हो, मैं एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छे से निकल के बाहर भी आ जा रहा है। घी लगाई थी इसीलिए अच्छे से हाथों में भी आ गया। बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट भी है। आप लोग इसे घर में ट्राई कीजिए और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।